गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू अम्पायर मूवी के अंदर एक ऐसा टाइटन आने वाला है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा टाइटन होने वाला है और पावरफुल टाइटन होने वाला है। नाम है उसका सीमो। अब ये लड़का है या लड़की है वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन इसके हाइट के बारे में ये तो पता चल गया है कि ये किंग गिडोरा से भी 10 फीट ज़्यादा बड़ा होगा, अर्थात ये 531 फुट का होगा, जो कि हमें ये बता देता है कि अभी तक का यदि हम मॉन्स्टर का बात करें तो सबसे बड़ा मॉन्स्टर ये होने वाला है। अब मैं लंबा का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा का बात कर रहा हूँ, या कह सकते हो खड़ा का बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमें पता चल गया है कि सीमू अभी तक का सबसे बड़ा टाइटन है, लेकिन यदि मैं बोलूँ कि इससे भी बड़ा टाइटन आपको गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू अम्पायर मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो आपको सोच के कैसा लगेगा? थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये वाला फोटो को देखो। इस वाला फोटो को देखते होते एक बहुत बड़ा जाइंट हड्डी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया होगा जो कि एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि ध्यान से देखते हो तो आपको कॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा, ठीक यहाँ पे मिडल में खड़ा हुआ है ये। लेकिन यदि कॉन्ग ही इतना छोटा है इस हड्डी के सामने तो आपके दिमाग में जरूर चला होगा कि ये बड़ा सा हड्डी है किसका। अब यहाँ पे बहुत कई मान के चलेंगे ये गॉडजिला का हड्डी है, लेकिन भैया गॉडजिला का तो हाइट ही है कॉन्ग से 20, यानी कि यदि कॉन्ग का हाइट इस मूवी के अंदर 337 फीट का है तो इसी मूवी के अंदर गॉडजिला का हाइट 393 फीट का है, जो कि बता देता है इन दोनों के बीच में 19-20 का ही फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अब आप कह सकते हो 17 और 20 का फर्क है, लेकिन हाँ आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे यदि मैं गॉडजिला को खड़ा करूँ कॉन्ग के बगल में तो आप देख सकते हो गॉडजिला कुछ इतना बड़ा होगा कॉन्ग के सामने, और यदि मैं इस पिक्चर को जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा हो जाता है ये गॉडजिला के सामने भी ये बड़ा सा हड्डी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये गॉडजिला भी नहीं हो सकता है, तो ये है कौन? तो देखो मेरा थ्योरी ये है कि ये जो बड़ा सा आपको जॉइंट हड्डी का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये किसी और का नहीं, ये है गॉडजिला अर्थ का हड्डी। अब देखो मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपने गॉडजिला का हाइट देख लिया, कॉन्ग का हाइट देख लिया, और अब देख लेते हैं हम अर्थ गॉडजिला का हाइट। तो बताया ऐसा जाता है कि जो अर्थ गॉडजिला है ना उसका हाइट ही होने वाला है 1000 फीट का, यानी कि 300 मीटर का तो वो आराम से होगा, और यदि 300 मीटर का हुआ तो नॉर्मली वो 1000 फीट का हो ही गया, और यदि वो 1000 फीट का हुआ है तो गॉडजिला के सामने कुछ इतना बड़ा वो देखने को हमें मिलेगा, मतलब गॉडजिला से तो 2 गुना बड़ा है। लेकिन अर्थ गॉडजिला को भी यदि यहाँ पर हम खड़ा करें तो आप साफ साफ देख सकते हो ये अर्थ गॉडजिला से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब सिंपली देखो, यदि अर्थ गॉडजिला यहाँ पे खड़ा भी होता है तो उसके सामने भी ये वाला हड्डी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये भी नहीं हो सकता है कि ये अर्थ गॉडजिला होगा, क्योंकि यदि हम रिपोर्ट का माने तो 300 मीटर का यहाँ पे अर्थ गॉडजिला का हाइट है जो कि 984 फीट का होता है, जो कि हमें यह बता देता है कि भाई ये अर्थ गॉडजिला नहीं हो सकता है, तो उससे बड़ा कौन सा गॉडजिला है? अब देखो वैसे तो मैंने बहुत सारे गॉडजिला को देखा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा गॉडजिला नहीं है जो कि यहाँ पे अर्थ गॉडजिला से बड़ा हो, और यदि हम अर्थ गॉडजिला का बात करें तो वो गॉडजिला का एक ऐसा वर्जन है जो कि नेचर के पावर के कारण से, नेचर के एबिलिटीज के कारण से वो इवॉल्व होते गया है और वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे अर्थ गॉडजिला का नाम दिया गया है, यानी कि वो अर्थ पे रहने वाला सबसे बड़ा और कह सकते हो सबसे खतरनाक टाइटन का उसे दर्जा दिया गया है, जो कि हमें बता देता है उससे बड़ा कोई टाइटन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ गॉडजिला होगा? तो देखो ऐसा मेरा मानना है कि पास्ट में अर्थ गॉडजिला था, ठीक है, और उससे किसी का फाइट हुआ था, या क्या सकते हो वो अपने ओल्ड एज के कारण से मारा गया था, जिसके कारण से उसका जो बॉडी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिर गया, और इसीलिए ये जो बड़ा सा बोन हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये एक ब्रिज के तरह काम कर रहा है इन दोनों पहाड़ के बीच में। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना बड़ा है कि इसको मारने वाला कोई भी टाइटन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि किंग गिडोरा का ले ले तो वो भी यहाँ पे इतना सा पिद्दी सा छोटा सा हो जाएगा, यदि हम सीमू का ले ले तो वो भी यहाँ पे पिद्दी सा हो जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा टाइटन है ही नहीं जो कि इसे डिफीट कर सकता है। तो मेरा थ्योरी ये है पास्ट में अर्थ गॉडजिला होगा जो कि नेचुरली ये मारा गया होगा, या ऐसा आप समझ सकते हो उसको उतना खाना नहीं मिला होगा, रेडिएशन नहीं मिला होगा, या कुछ तो इलनेस उसे हो गया होगा जिसके कारण से ये यहाँ पे मारा गया है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि इस फोटो को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरा जो थ्योरी था इस फोटो को देखने के बाद वो तो मैंने आपको बता दिया, आगे आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि ये अर्थ गॉडजिला है या कोई और है, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।